आई डू माई बेस्ट, मैं अपना 100% दूंगा। आप कितना अपना परसेंट इस चैनल के लिए देते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मैं तो अपना 100% देने वाला हूं ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो और सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन हम अपडेट्स के थ्रू ब्रांड के साथ बात कर करके आप लोगों के तक ले। शिद्दत से अगर कोई चीज किया जाए और दिल से अगर उसके पीछे भागा जाए कि भाई इस चीज के लिए हमें अचीवमेंट करना है, एक फोकस्ड वे से अगर काम किया जाए तो डेफिनेटली यहां पर वो सक्सेसफुल होता है और फिर सारी चीजें आपकी तरफ चलती है। जी हम बात कर रहे हैं कलर ओएस 12 को लेकर के। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ कलर ओएस 12 से ढेरों बग्स थे जो कि हम लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू किया था, और स्पेशली अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं कलर ओएस 12 बग्स, तो आई एम रियली प्रिविलेज्ड एंड थैंक यू ऑल गाइज कि हमारे वीडियो ही सबसे सामने में आते हैं। जितने भी हम लोगों ने बग्स यहाँ पे डाले थे, बताए थे, ब्रांड हैज लिसन टू इट, और ये तभी हो पाया है जब आप लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट किया, हमें वीडियो को लाइक किया, शेयर किया। तो इस वीडियो पे भी उम्मीद करेंगे ज्यादा से ज्यादा लाइक का और देखेंगे कि ब्रांड ने यहाँ सारी चीजों को फिक्स किया है या नहीं किया है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि जो नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। अब बात कर लेते हैं कलर ओएस 12 के अंदर। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं रेनो 6 के लिए बना रहा हूँ, वैसे 6 प्रो के अंदर भी अपडेट आया है लेकिन रेनो 6 के यूजर्स ज्यादा हैं तो डेफिनेटली मैं पहले उसे यहाँ पे प्रिविलेज दूंगा। जो प्रॉब्लम्स थे, जो बग्स थे, उसके बारे में क्विकली बात कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे AOD काम नहीं कर रहा था, ओमोजी गायब हो चुका था, प्लस एज डिटेक्शन, एज लाइटिंग काम नहीं कर रहा था, वीडियो के अंदर फ्लेयर मोड में ऑडियो और वीडियो सिंक्रोनाइज्ड नहीं थी, साथ ही साथ कैमरा यहाँ पर डिग्रेड हो गया था और बैटरी लाइफ भी यहाँ पर आपको प्रॉपरली नहीं मिल रही थी, चार्जिंग टाइम एक्सीड हो चुका था, ऐसे ढेरों प्रॉब्लम्स थे। जी हाँ, तो यहाँ पर जो अपडेट पुश किया गया था वो था यहाँ पे C.27 के अंदर में 880 MB का एक अपडेट पुश किया गया था जो कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया था। तो पहले हम जान लेते हैं क्या क्या चीज़ ऐड किया गया था और फिर बात करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ओमोजी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, तो अब आप कस्टमाइज कर सकते हैं, पर्सनलाइजेशन के अंदर जाकर के ओमोजी वाला ऑप्शन मिल जाता है तो आप उसे भी इनेबल कर सकते हैं। जनवरी का सिक्योरिटी पैच का अपडेट आपको मिल गया, सो दिस इज रियली ग्रेट। जी हाँ, सिक्योरिटी पैच मिल गया है और सिस्टम के अंदर यहाँ पे इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस इन सम सिनेरियोज, एक्सटेंड्स द बैटरी लाइफ इन सम सिनेरियोज, बैटरी वाली तो बात यहाँ पे की गई है। साथ ही यहाँ पे फिक्स किया गया इशू वेयर फिंगरप्रिंट अनलॉक माइट रेस्पॉन्ड स्लोली। जी हाँ, और एप्स के अंदर फिक्स किया गया इशू वेयर सम थर्ड पार्टी एप्स वेयर अनेबल टू रिकॉग्नाइज योर फिंगरप्रिंट। अब इसमें से हम बात करते हैं कि जो अपडेट ब्रांड ने पुश किया है, क्या ये सारी चीजें फिक्स हुई है। तो सबसे पहली चीज, ओमोजी ऐड हो गया है। जी हाँ, ओमोजी ऐड हो गया है, काम भी कर रहा है। सिक्योरिटी पैच जनवरी का, वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिस्टम के अंदर अगर हम लोग बात करें, इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस इन सम सिनेरियोस, कुछ हद तक मैं इसे मान सकता हूं बट नॉट 100%। एक्सटेंड्स द बैटरी लाइफ इन सम सिनेरियोस, सम सिनेरियोस नहीं, मैं कंप्लीटली अग्री करता हूं, बैटरी परफॉर्मेंस यहां पर एक्सटेंड हुई है, बैटरी चार्जिंग की भी स्पीड यहां पर बेटर हो गई है और AOD भी अगर आप रात भर ऑन करके रखते हैं तो आई थिंक अराउंड 6 or 7% मैक्स टू मैक्स जो मैंने नोटिस किया है बैटरी ड्रेनेज जाती है। और फिंगरप्रिंट वाला जो इश्यू है ये अभी भी है। जी हाँ, फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रॉपरली काम नहीं करता है। अगर आप यहाँ फोन को अनलॉक करते हैं या फिर एप्स को अनलॉक करना चाहते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, मैं 50-50 भी नहीं बोलूंगा, 30-70 वाला रेशियो है, 70 टाइम्स अनलॉक हो जाता है, 30 टाइम्स नहीं होता है। तो जिसकी वजह से मैं बोलूंगा कि इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सो ओपो, यू स्टिल नीड टू वर्क ऑन दिस। अब बात कर लेते हैं अपने AOD, जो हम लोगों ने प्रॉब्लम यहाँ पर क्वेरी जो रेज किया था ओपो रेनो 6 प्रो 6 के अंदर में, तो AOD यहाँ पे फिक्स हो गया है, कंप्लीटली 100% अच्छी तरीके से काम कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात कर लेते हैं कैमरा को लेके, तो भाई साहब कैमरा के अंदर अभी भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर हम बात करें तो कैमरा में मैं बिल्कुल भी, मतलब एकदम ऐसे में दिल से बोल सकता हूँ कि कंप्लीटली अनसेटिस्फाइड हूँ मैं कैमरा से। लो लाइट कंडीशंस हो चाहे ब्राइट लाइट कंडीशंस में अगर हम बात करें, यहाँ तक कि फ्लेयर मोड जो कि इन्होंने बड़ा बवाल मचा करके रखा हुआ था कि भाई साहब फ्लेयर मोड में हमने यहाँ पर आपको दिया है एकदम बुके इफेक्ट वीडियो के अंदर, भाई साहब ये अभी भी काम नहीं कर रहा है ढंग से। अगर आप वीडियो को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे तो ऑडियो और वीडियो अभी भी सिंक्रोनाइज्ड प्रॉपरली नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि ओप्पो प्लीज लिसन टू दिस एंड वर्क ऑन दिस एंड फिक्स दिस एज सून एज पॉसिबल। अब बात कर लेते हैं कि ये फिक्स होगा कि नहीं होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक आइडिया दिया था जहां पर आप बग्स रिपोर्ट कर सकते थे ओप्पो को डायरेक्टली, और जिन लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने किया है, दैट्स रियली कूडोस टू देम। आप लोगों, जिन लोगों ने नहीं किया है, आप सब लोग जाकर के उस वीडियो को देखिए, यहाँ आई बटन में दे दूंगा, और जाकर के बग्स को रिपोर्ट करना चालू कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये फिक्स होगा कि नहीं होगा।
तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ब्रांड अभी भी मेरे साथ टच में है और उन्होंने क्लियरली बोला है कि AOD तो हमने फिक्स कर दिया, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो सभी लोगों को सामने में दिखता है। अब इसे फिक्स कर दिया है और ब्रांड ने ये बोला है कि कैमरा के अंदर जो फ्लेयर मोड है उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा और मेरे से फुटेज वगैरह लिया जा रहा है, तो मैं फुटेज वगैरह सारा कुछ उन्हें भेज रहा हूँ, रिकॉर्ड वगैरह करके एवरीथिंग मैं सारी चीजें उनको शेयर कर रहा हूँ और ब्रांड इसके ऊपर अभी काम कर ही रही है। तो मैं अभी उम्मीद करूंगा कि एटलीस्ट मुझे लगता है कि 2 हफ्ते जितना और टाइम लगेगा, बिकॉज जब मैंने इसे बग्स रिपोर्ट करना शुरू किया था तो 2-2.5 हफ्ते इसमें भी हमें लग गए अपडेट्स लाने में। तो आई थिंक कि इस बार भी जो नेक्स्ट अपडेट आएगा कैमरा को लेकर के, तो डेफिनेटली मुझे लगता है 2-2.5 हफ्ते मिनिमम तो लगने ही वाला है। तो फेब्रुअरी मिड के पहले आप उम्मीद मत कीजिए कि यहाँ पर आपका कैमरा फिक्स होने वाला है। एक मुझे अच्छी चीज लगी कि ब्रांड ने प्रिविलेज दिया मुझे, और ये प्रिविलेज तभी मिली जब आप लोगों ने सपोर्ट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब तक पब्लिक का सपोर्ट नहीं होता है, जब तक लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तब तक ब्रांड को कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। जी हाँ, एंड आई एम रियली प्रिविलेज्ड कि ब्रांड ने मेरी बात को सुनी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ब्रांड ने उसके ऊपर एक्शन भी लिया और फटाक से रिजल्ट भी दिया। तो एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि ब्रांड को जो हमने फीडबैक दिया, जी हाँ, कंप्लीटली आई विल टेक दिस ऑनर ऑन बिहाफ ऑफ यू ऑल कि जी हाँ, ये पॉसिबल तभी हो पाया जब हमने ब्रांड को बैक टू बैक फीडबैक दिया, तभी जाकर के अपडेट पुश हुआ, नहीं तो ये अपडेट इतनी जल्दी आने वाला भी नहीं था, AOD इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होने वाला था। आप लिख लो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे अभी भी हैंडसेट्स हैं जो कि अभी भी AOD ढंग से काम नहीं करता है, बैटरी लाइफ अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। इनफैक्ट रियलमी को देख लो आप, रियलमी के कितने सारे हैंडसेट्स में थे जो कि सत्यानाश कर दिया अपडेट देकर के। बट आई एम रियली प्रिविलेज्ड, और ये प्रिविलेज मैं तभी ले पा रहा हूँ जब आप लोगों का सपोर्ट रहा और आप ही लोगों की वजह से ये चीज़ मैं कर पाया, बिकॉज डेडिकेटली काम करना इज अ डिफरेंट थिंग और उसमें घुस करके काम करना एक अलग चीज़ होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्रिएटर्स क्या करते हैं भाई, वीडियो बना दिया, बक्स बोल दिया, निकल लिए। बट मुझे लगा कहीं ना कहीं कि नहीं भाई, एक महंगा फ़ोन है, एक 30,000-40,000 का फ़ोन अगर कोई खरीदता है तो कितनी मेहनत से खरीदता है, आई फेल्ट इट। और जब मुझे ये फील हुआ कि नहीं भाई, ये प्रॉब्लम को ठीक कराना चाहिए, देन आई स्टार्टेड जंपिंग टू द ब्रांड। मैंने ट्विटर से लेकर के हर माध्यम मैंने ढूंढना चालू किया कि मैं इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम तक कैसे पहुंचूं। एंड थैंकफुल टू यू ऑल गाइज कि मैं ब्रांड तक पहुंच पाया, एंड थैंक यू टू ओप्पो एज वेल कि भाई साहब आप मेरी बात सुन रहे हैं एंड यू आर वर्किंग टू फिक्स दिस, सो आई एम रियली ग्रेटफुल अबाउट इट। अपडेट की अब बात कर लेते हैं, अपडेट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली ये अपडेट कर लीजिए। 880 MB का है, C.27 के अंदर आपका ये अपडेट रहेगा और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फिक्स की गई है। बैटरी इनहेंस हो गया है, AOD ठीक हो गया है, यहाँ पे पहले से थोड़ा बेटर और स्मूदर एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी भी नाखुश हूँ। फिंगरप्रिंट वाला 100% अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, काफ़ी बार फेल हो जाता है। कैमरा से भी मैं एकदम कंप्लीट असंतुष्ट हूँ, मतलब कैमरा तो लिटरली मैं बोलूँगा कि भाई जो कलर OS 11 के अंदर था वैसा कैमरा की क्वालिटी अभी भी नहीं है। और फ्लेयर मोड, ओप्पो यू हैव प्रेज्ड दिस फीचर ए लॉट वाइल यू नो लॉन्चिंग दिस हैंडसेट, सो आई रियली रिक्वेस्ट यू ओप्पो कि आप इस चीज़ को फिक्स कीजिए, क्योंकि बिकॉज दिस इज द हाइएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेलिंग पॉइंट। बाकी और चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर वेरी क्विकली, ओप्पो को मैंने ये भी फीडबैक दिया है कि सबसे पहली चीज़, अगर हम अपने फ़ोन में लॉक लगा करके रखते हैं तो भाई साहब कोई भी मुँह उठा करके एरा गहरा नथू गहरा आकर के मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर सकता है, तो फिर लॉक का मतलब क्या हुआ? तो मैंने ये भी एक उनको बोला हुआ है। अगला चीज़, एक और मैंने फीडबैक दिया हुआ है कि फ़ोन के अंदर रेनो 6 का मुझे नहीं पता कि वो लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन रेनो 6 प्रो के अंदर मैंने उनको ये बोला है, दोनों के लिए बेसिकली मैंने बोला हुआ है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने के समय ये ऑप्शन दीजिए कि फ्रंट और रियर कैमरा उसको सेम टाइम पे जब हम यूज़र चाहे उसे स्विच कर सके वाइल रिकॉर्डिंग। तो ये दो फीडबैक्स मैंने दिए हैं। तीसरा मैंने एक और फीडबैक दिया है कि नोटिफिकेशन पैनल को भी ऊपर से स्वाइप नहीं होना चाहिए अगर कोई बंदा अपना फ़ोन लॉक्ड रखता है तो, क्योंकि आप सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो एटलीस्ट ये दो चीज़ें तो ऐसी है जहां पर अगर फ़ोन में लॉक लगा है तो भाई कोई भी मुठा करके स्विच ऑफ कर सकता है, जैसे कि अभी ये लॉक लगा हुआ है इस फ़ोन में, जी हाँ कम्प्लीटली इसमें लॉक लगा हुआ है, बट अगर मुझे इसे स्विच ऑफ करना हो ना तो मैं यहाँ पे इसे लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा तो ये देख लीजिए सामने ये स्विच ऑफ का ऑप्शन आ जाता है, मैं टच करूंगा और ये बंद भी हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं इसे, ये रहा, मैंने पावर ऑफ किया और ये देखिए ये फ़ोन हो गया बंद। तो भाई साहब अगर ये फ़ोन किसी को चुराना होगा तो इट इज़ वेरी ईजी, तो काहे का मैं बोलूंगा सिक्योर, ये घंटा भी सिक्योर नहीं है कि कोई भी फोन अगर मेरा कहीं पर भी रहता है तो भाई साहब कोई भी फोन उठाएगा स्विच ऑफ सबसे पहले कर देगा, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आई थिंक दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड कि आपका फोन में अगर लॉक लगा हुआ है, भाई 30,000 का फोन है, रेनो 6 प्रो 40,000 का फोन है, और ये सिक्योरिटी ब्रीच, ये तो सिक्योरिटी ब्रीच ही मैं बोलूंगा कि भाई ये कंप्लीटली अनसिक्योर्ड फोन है, किसी भी माध्यम से अगर फोन में भूल जाता हूँ
तो कोई भी स्विच ऑफ करके निकल लेगा, कट लेगा। सैमसंग के फोन्स में आप देखो, कोई कुछ भी कर ले, अगर लॉक लगा हुआ है तो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, कोई भी मतलब मोबाइल को बंद नहीं कर सकता, रिस्टार्ट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ इसमें आनी ज़रूरी है। नोटिफिकेशन पैनल भी ऊपर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी ऑप्शंस काफ़ी लोग काफ़ी बार इनेबल करके रखते हैं, स्क्रीन लॉक, पावर ऑफ, बहुत सारे कस्टमाइजेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से करके रखते हैं, तो वो भी एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए नोटिफिकेशन पैनल भी। और वो फीचर आपको डाल के देना होगा सेटिंग्स के अंदर। और कैमरा वाला तो मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि भाई साहब ये कैमरा वाला फीचर लाओ, जहाँ पे एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग वीडियोज एंड शूटिंग वीडियोज बंदा अपना फ्रंट और रियर को एट ए टाइम यूटिलाइज कर सके। तो ये मैं अपनी ब्रांड को अपनी तरफ से ऑलरेडी दे चुका हूँ सारा का सारा फीडबैक, और मैं बोलूंगा कि इस अपडेट को रेनो 6 के अंदर आप लोग कर लीजिए, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, बट देर आर लॉट ऑफ स्टिल बग्स एंड आई बिलीव कि ओप्पो इज गोना फिक्स इट। आई डू माई बेस्ट, मैं अपना 100% दूंगा, आप कितना अपना परसेंट इस चैनल के लिए देते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी मैं तो अपना 100% देने वाला हूँ ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो और सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम अपडेट्स के थ्रू ब्रांड के साथ बात कर करके आप लोगों के तक लेते आए। बाकी आपका सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली वी विल डू दैट एज वेल। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आया फिर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं समझदार वीडियोज आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।